आप लोगों ने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, महाकाश में बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े पृथ्वी के तरफ आते रहते हैं जो किसी भी वक्त पृथ्वी को ख़त्म कर देगा। तभी स्पेसक्राफ्ट जैसा एक आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट आता है जो लेजर से पत्थरों को उड़ा देता है। लेकिन वास्तव में ऐसे परिस्थिति कम ही आते हैं। नासा ऐसे एस्टेरॉइड्स डिटेक्ट करता है जो कि पृथ्वी के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन वहाँ लेजर लेके तो कोई बैठा नहीं है। तो अगर पत्थर टकराने जैसा हालत आए तो क्या होगा? हम उस इमरजेंसी जैसे सिचुएशन में पृथ्वी छोड़कर कहीं और तो जा भी नहीं सकते। तो हम जैसे साधारण इंसान ऐसा अगर सोच सकते हैं तो वैज्ञानिक जरूर सोच रहे होंगे। तो इसी कड़ी में कई सालों के मेहनत के बाद नासा के वैज्ञानिकों ने एक टेक्निक ढूंढ निकाला है। उसके तहत वो डार्ट मिशन के फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं, सिर्फ लॉन्च होना बाकी है। इस मिशन में सफलता अगर मिल जाए तो मानवता के लिए एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है। अब तो सिर्फ प्लैंड समय के अनुसार उसका काम महाकाश में शुरू होना ही बाकी रह गया है। डार्ट यानी डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट। नासा के डायरेक्शन में जॉन्स हॉपकिंस एप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी नासा के ही कई अन्य सेंटर के साथ मिलकर प्लेनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस इस मिशन को प्रबंध कर रहा है। इस मिशन में एक्चुअली काइनेटिक इम्पैक्ट टेक्निक का उपयोग किया जाएगा, मतलब डार्ट स्पेसक्राफ्ट को एक बाइनरी एस्टेरॉयड 65803 डीडाइमस से टकराया जाएगा। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स जितने होते हैं उनमें से जिनको पृथ्वी से टकराने का खतरा होता है उनको ही नासा कई सालों से स्टडी कर रहा है। फिलहाल स्टडी में उनको बाइनरी एस्टेरॉयड 65803 डीडाइमस मिला। नॉर्मली 140 मीटर से ज्यादा डायमीटर वाले एस्टेरॉयड्स का पृथ्वी से टकराने का चांस कम होता है। अब तक जितने भी एस्टेरॉयड्स मिले उनमें से 40% का ही पृथ्वी के ओर आने का चांस है। डीडाइमस का डायमीटर 780 मीटर है और उसके चारों ओर घूम रहा और एक ऑब्जेक्ट डाइमॉर्फोस जो कि डीडाइमस का मून है। ये 11.9 घंटे में डीडाइमस का चक्कर लगाता है और डीडाइमस सूरज का एक बार घूमने में लगाता है 2.11 साल। अब डीडाइमस को कई सालों तक स्टडी किया गया। इस स्टडी के मुताबिक डीडाइमस का मून डाइमॉर्फोस को सबसे ज्यादा खतरा समझा गया। अब डार्ट स्पेसक्राफ्ट 6.6 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से डाइमॉर्फोस पर टकराएगा। टकराने के लिए एक ऑटोनोमस नेविगेशन सॉफ्टवेयर और स्पेसक्राफ्ट में लगा हुआ ड्रैको कैमरा का मदद लिया जाएगा। डार्ट एस्टेरॉयड पर टकराने से बहुत बड़ा विस्फोट नहीं होने वाला। टकराने से डाइमॉर्फोस का ऑर्बिट स्पीड फ्रिक्शन ऑफ सेकंड स्लो होगा, उससे उस मून का ऑर्बिटल पीरियड कई मिनट तक बढ़ जाएगा और फ्यूचर में नासा को स्टडी करने में और भी समय मिलेगा। नासा डार्ट को 24 नवंबर 2021 में वैंडेनबर्ग एयरफोर्स बेस से लॉन्च करवाएगा। इसके लिए स्पेसएक्स का फैल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। डार्ट लॉन्च होने के बाद अपने मिशन के लिए 8.6 मीटर बाय 2.3 मीटर वाला रोल आउट सोलर एरेस का इस्तेमाल करेगा। डार्ट मिशन में इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का उपयोग किया जाएगा। नासा एवोल्यूशनरी जेनन थ्रस्टर कॉमर्शियल यानी नेक्स्ट सी, यह मिशन को गति देने में मदद करेगा। फ्यूचर में नासा मिशन के लिए ये एक अच्छा ट्राई हो सकता है, मगर ये तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। अगर इस टाइप के मिशन सक्सेसफुल हो जाए तो मानवता के कुशलता में एक नया मौका हासिल हो सकेगा। धन्यवाद।